गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पिछली क्लास में कर रहे थे सिक्स क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने विटामिन से पहले तक का पार्ट लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। आज हम करेंगे विटामिन एंड मिनरल्स और रफेज तक। तो हमने पहले हम कल की क्लास का थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हमने कल क्लास में देखा था कि कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स। अब फूड के क्या क्या पार्ट्स हैं, आप जो भी फूड खाते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। उसमें है वाटर, उसमें है फाइबर और न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड टू लिव एंड ग्रो। मतलब आपको जिंदा रहने के लिए और बढ़ते रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। देन हमने देखा था न्यूट्रिएंट्स पाँच टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, फिर विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखा था कि ये दो टाइप्स के होते हैं, शुगर एंड स्टार्च। स्टार्च कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और शुगर आपके कंपैरेटिवली थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह। फिर आपने सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में देखे थे आलू, शहद, चावल, चीनी, ब्रेड वगैरह। आपके जो भी डेली फूड आइटम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देन हमने देखे थे फैट्स। फैट्स भी दो टाइप के होते हैं, प्लांट फैट्स और एनिमल फैट्स। और हमने एक चीज़ और देखी थी कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड हैं। फिर हमने इन सभी के अलग से टेस्ट किए थे कि आप किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे टेस्ट करोगे। अगर शुगर आपको टेस्ट करनी है तो आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से करेंगे, और अगर आपको स्टार्च टेस्ट करना है तो आप आयोडीन सॉल्यूशन से करेंगे। देन हम आते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स में हमने देखा था कि ये अपने बॉडी बिल्डिंग फूड है। बॉडी बिल्डिंग मतलब आपके टिश्यूज़ की रिपेयर के लिए, आपके जो भी मसल्स के बिल्डअप के लिए और आपके जो भी वेरियस ऑर्गन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। आपकी कोई भी इंजरी वगैरह हो जाती है या फिर आपकी जो ग्रोथ में आपके प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये भी आपको दो टाइप के मिलेंगे बेसिस ऑफ ओरिजिन पे, मतलब आप कहाँ से मिल रहे हैं उस बेसिस पे इनको भी दो टाइप में डिवाइड करेंगे, प्लांट प्रोटीन्स और एनिमल प्रोटीन्स। फिर हमने इनके एग्जांपल्स देखे थे और फिर इसके भी टेस्ट किए थे। इसके एग्जांपल्स में हमने काउंट किए थे दाल, सोयाबीन, चने वगैरह। देन हम इसके टेस्ट की बात करते हैं। तो हमने सिंपल सा टेस्ट देखा था कि आप सबसे पहले उसे सॉल्यूशन जैसा बनाएंगे, आपका जो भी फूड सैंपल है क्रश करके इसमें पानी मिक्स करके आप इसे एक सैंपल जैसा बनाएंगे, सॉल्यूशन जैसा बनाएंगे, और फिर उसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। और अगर ये पर्पल कलर हो जाता है आपके सॉल्यूशन का तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। तो ये हो गई हमारी लास्ट क्लास तक की बात। आज हम आगे बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। अब विटामिन्स की अगर बात की जाए तो ये कंपैरेटिवली, अगर जैसा कि इनके प्रोटीन्स या फैट और कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर किया जाए, ये हमें थोड़ी कम मात्रा में इनकी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि इम्पोर्टेंट ये भी बहुत हैं, मगर इनकी अमाउंट कंपैरेटिवली हमें कम इनटेक करनी पड़ती है। अब आता है विटामिन्स का फंक्शन, विटामिन्स की ज़रूरत क्यों है। अब विटामिन्स को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स, क्योंकि हमें वेरियस डिजीजेज यानी कि बीमारियों से बचाते हैं। या फिर यूँ कहें कि विटामिन्स का रेगुलर बॉडी फंक्शंस में आपकी जो भी बॉडी आपके डेली फंक्शंस कैरी आउट कर रही है, जैसे कि आप कुछ देख पा रहे हैं, आपको बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, उन सभी कामों में आपको विटामिन्स का कहीं ना कहीं छोटा मोटा रोल रहता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स दोनों का। तो ये दोनों ही आपके प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, क्योंकि अगर आप में इनकी डेफिशिएंसी होगी
विटामिन्स और मिनरल्स की कहीं भी डिफिशेंसी होगी तो बॉडी अपने रेगुलर या फिर डेली फंक्शंस कैरी आउट नहीं कर पाएगी, और ऐसे केस में आपको बीमारियां हो जाएंगी। इन बीमारियों के बारे हम डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा डिटेल में आगे देखने वाले हैं। तो विटामिन्स में हमने देखा था कि ये स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत है, इन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं क्योंकि ये नहीं होंगे तो हमें डिफरेंट डिजीजेज हो सकती हैं। फिर बात आती है विटामिन्स के टाइप की। विटामिन्स होते हैं दो टाइप के, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में हम सिर्फ बी और सी देखते हैं और फैट सोल्यूबल में हम देखते हैं ए डी ई एंड के। फैट सोल्यूबल का मतलब है आपके ये फैट में डिसॉल्व होते हैं, फैट जैसे कि आपने फैट वाले जो फूड सोर्सेज आपके देखे थे, बटर हो गया या फिर एग्जांपल्स में भी आपने यहाँ पे देखे थे मिल्क प्रोडक्ट्स, घी, बटर, ऑयल, इन प्रोडक्ट्स में आपको फैट सोल्यूबल विटामिन्स कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल सकते हैं। और दूसरी बात, जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, मतलब आप जमा हो जाते हैं आपकी बॉडी में और कुछ समय तक अगर आप इनकी आपकी बॉडी में कमी होती है तो आपकी बॉडी से ही ये यूज़ हो जाएंगे। हालांकि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को आपको डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है और ये आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होते, आप डाइट से लेंगे और ये आपकी बॉडी में यूज़अप होते रहेंगे। अगर आपकी डाइट में इन वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की कमी है तो आपको इनसे रिलेटेड डिजीज देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स के लिए भी ज़रूरी है, पर फैट सोल्यूबल विटामिन्स में थोड़ा समय लगता है कि जैसे कि अगर आपने तो महीने, दो महीने या फिर डिपेंडिंग कुछ समय बाद इनकी डिफिशेंसी देखने को मिलती है, और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की थोड़े से कम समय में। हालांकि आप जिस दिन नहीं खाएंगे उस दिन आपको बीमारियां नहीं दिखाई देंगी, मगर थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स आपकी बॉडी स्टोर कर लेती है और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बॉडी स्टोर नहीं करती है। फैट सोल्यूबल में आएंगे ए डी ई एंड के। अब हम इन सभी विटामिन्स के फंक्शन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है अपना विटामिन ए, जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका फंक्शन है आपके विज़न में, विज़न मतलब आपकी आँखों से आप जो भी देखते हैं उसके लिए विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है और आपकी स्किन को भी हेल्दी रखता है। स्किन हेल्दी रखने के लिए आपके पास एक और विटामिन होता है, विटामिन ई। तो आइज़ के लिए आपको विटामिन ए की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास विटामिन ए की कमी होगी आपकी बॉडी में तो आपकी आईसाइट वीक हो सकती है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। अब विटामिन ए आपको कहाँ से मिलेगा? आम से, फिश ऑयल, हालांकि आपको इजीली अवेलेबल नहीं होता है, पर आपको भरपूर मात्रा में गाजर और पपीता खाना चाहिए। ये सभी आपके सोर्सेज हैं विटामिन ए के, जो कि आपकी आँखों के लिए और स्किन के लिए ज़रूरी है। देन हम आते हैं विटामिन बी पे। विटामिन बी ज़रूरी है आपकी मसल्स के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। मसल्स आपकी वीक हो जाएंगी अगर आप में विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, और आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए भी आपको विटामिन बी की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है नर्व्स में। नर्व्स यानी कि आपकी नसें, जो कि आपके सिग्नल्स या मैसेज कैरी आउट ट्रांसफ़र करते हैं एक ऑर्गन से आपके ब्रेन तक या फिर ब्रेन से आपके ऑर्गन तक, वो सभी नर्व्स का काम होता है। इसके लिए भी आपको विटामिन बी की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन बी के सोर्सेज क्या क्या हैं?
विटामिन बी आपको मिल सकता है सीरियल्स में, सीरियल्स मतलब अनाज वाला पार्ट हो गया, जैसे कि वीट, मेज, गेहूं, मक्का, बाजरा, इन सब में विटामिन बी होता है, साथ ही मिल्क और एग में और मीट में भी। ये सभी आपको जरूरी होते हैं विटामिन बी के लिए। देन हम आते हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी हमें मिलता है साइट्रस फ्रूट्स। साइट्रस फ्रूट्स को में आ गए आपके लेमन, आंवला, संतरा, मौसम्बी, ये सभी आपके खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल सकता है। और विटामिन सी की ज़रूरत किस लिए होती है? हमारे दांतों के लिए और गम्स यानी मसूड़ों के लिए। अगर आप में विटामिन सी की कमी है तो आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे और आपके गम्स से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये फंक्शंस हो गए विटामिन सी के। तो हमने ए कर लिया विजन के, आँखों के लिए, विटामिन बी मसल्स और नर्व्स के लिए और साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। देन विटामिन सी टीथ एंड गम्स के लिए। अब हम आते हैं विटामिन डी पर। विटामिन डी जरूरी होता है हमारे बोन्स के लिए, बोन्स और टीथ के स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर आप में विटामिन डी की कमी होगी तो आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी और आपके टीथ भी सड़ने लगेंगे, या फिर यूँ कहें, सड़ना प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, ये दांत कमज़ोर हो जाएंगे और टूट सकते हैं। टूटने का मतलब दांत में क्रैक, ये नहीं कि जड़ से टूट जाएंगे, जड़ से भी टूट सकते हैं, पर दांत इतने वीक हो जाते हैं कि आपके बीच से भी दांत टूट सकता है, जो कि नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। ये हो गए आपके विटामिन डी के फंक्शंस। विटामिन डी आपको कहाँ से मिलेगा? एग योक से। अब जो कि आपका एग होता है, जैसे कि ये अगर आपका एग है तो इसको अगर आप जब बॉइल कर लेते हैं तो इसमें बाहर का पार्ट वाइट रहता है और सेंट्रल पार्ट थोड़ा सा येल्लो हो जाता है, तो उस येल्लो पार्ट को कहा जाता है एग योक। योक में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। उसके साथ ही आपके पास है, आपको विटामिन डी मिल सकता है पनीर से। और विटामिन डी की एक खास बात है, ये आपकी स्किन में सिंथेसिस होता है, आपकी स्किन में ही विटामिन डी बनाया जाता है सनलाइट की मदद से। तो इसलिए जब भी आपको मौका मिले थोड़ा बहुत धूप में ज़रूर निकलें, जो कि आपकी बोन्स के लिए बहुत हेल्दी होता है। देन हम आते हैं विटामिन ई पे। विटामिन ई की ज़रूरत होती है स्किन को हेल्दी रखने के लिए। अगर आप में इन विटामिन्स की कमी है, ए और ई, ए एंड ई, तो उस केस में आपकी स्किन में आपको क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। क्रैक्स का मतलब बहुत रूखी हो जाएगी और आपकी स्किन पील ऑफ, यानी कि पील ऑफ का आप, जैसे कि आप स्किन आपकी पील ऑफ हो जाती है, यानी कि थोड़ी बहुत उखड़ से जाती है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि आपको फटी एड़ियों में देखने को मिलता है, वो आपकी नॉर्मल हाथों की स्किन पर भी देखने को मिल सकता है विटामिन ए और ई की कमी होने पर। विटामिन ई आपको कहाँ से मिलेगा? एग्स और पियर यानी कि नाशपाती और नट्स जैसे कि ग्राउंड नट्स वगैरह, मूंगफली वगैरह, इन सभी से आपको विटामिन ई मिलता है। देन हम आते हैं हमारे आखिरी विटामिन, विटामिन के पर। विटामिन के की ज़रूरत होती है प्रॉपर क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग का मतलब है जैसे कि कभी अगर आपके चोट लग जाती है तो आपका खून हमेशा बहता नहीं रहता है,
जैसे कि अगर ये आपकी स्किन है और इस पर कभी कट लग गया थोड़ा सा, तो अगर आपकी स्किन पे कभी कट लग जाता है तो वहाँ से थोड़ी देर तक तो ब्लड बाहर निकलता है, फिर वहाँ पे एक स्कार जैसा लाल थक्का जम जाता है खून का, ताकि और खून बाहर ना निकले, इसे कहते हैं क्लोटिंग। और इसके लिए ज़रूरी होता है विटामिन के। अगर आप में विटामिन के की कमी होगी तो ये क्लोटिंग में आपको बहुत समय लग जाएगा, या फिर जैसे कि अगर नॉर्मली 3 से 4 मिनट लगते हैं आपको खून को जमने में, तो आपको 10 मिनट या 15 मिनट या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। और ऐसे केस में आप में खून की कमी देखने को मिलेगी अगर विटामिन के की कमी है। और विटामिन के आपको मिल सकता है गोभी से, फूल गोभी, पत्ता गोभी और स्पाइनच यानी कि पालक से। तो यहाँ पे हमारे विटामिन्स ख़त्म होते हैं आज के। फिर जैसा कि हम हर बार करते हैं, सबसे पहले हम विटामिन की फंक्शन देखते हैं, कोई भी जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसके फंक्शन देखते हैं, फिर हम उसकी टाइप्स देखते हैं, फिर उसका टेस्ट करते हैं। तो हमने इसके फंक्शंस देख लिए सभी विटामिन्स के अलग अलग, इसके टाइप्स देख लिए, फैट सोल्युबल, वाटर सोल्युबल। अब आते हैं हम इसके टेस्ट पे। के टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बात कर रहे हैं विटामिन सी की, सभी विटामिन्स की नहीं, सिर्फ विटामिन सी की। तो आपके पास जो भी फूड सैंपल है उसे सबसे पहले आप तो विटामिन सी के लिए आपको टेस्ट करना है। उसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे कि आपने अगर कोई स्टार्च कंटेनिंग फूड सैंपल है, जैसे कि आपका आलू हो गया या फिर शहद वगैरह हो गए, उन सभी को आप पेस्ट जैसा बनाएंगे थोड़ा सा पानी मिलाकर, फिर उसे बॉईल करेंगे और कुछ ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन के। अब उसमें स्टार्च है तो इसका इसलिए वो ब्लू ब्लैक कलर में हो जाएगा, ये हमने स्टार्च के टेस्ट में पढ़ा था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपके विटामिन सी का टेस्ट। अब जो भी आपका विटामिन सी कंटेनिंग फूड है, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इसका आप जूस ऐड करेंगे, ये जो अभी अभी आपके पास सॉल्यूशन बना है, यानी कि आपने सबसे पहले एक बीकर लिया था, उसमें थोड़ा सा पेस्ट बनाया था, उसे बॉईल करके आपने उसमें आयोडीन डाला, तो ये अब ब्लू ब्लैक कलर का हो गया था। तो ये डार्क ब्लू कलर का हो गया था। देन आप इसमें ऐड करेंगे अपना लेमन जूस या फिर जो भी फूड सैंपल है जिसमें कि विटामिन सी है। तो ये जो ब्लू ब्लैक कलर है ये अभी थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। विटामिन सी की प्रेजेंस में आपका ब्लू ब्लैक कलर जरा सा लाइट ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। और अगर आपके पास विटामिन सी नहीं होगा इस फूड सैंपल में तो ये ब्लू ब्लैक कलर ही बना रहेगा। तो ये आपका टेस्ट हो गया विटामिन सी का। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ हल्का सा। सबसे पहले आपने एक बीकर लिया, देन आपने उसमें ऐड किया आपका फूड सैंपल का पेस्ट, फिर आप उसे बॉईल करेंगे, फिर आप उसमें ऐड करेंगे कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के। अब ये स्टार्च कंटेनिंग फूड था तो जब आप इसमें आयोडीन ऐड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में, डार्क ब्लू कलर में। अब आप इसमें ऊपर से ऐड करेंगे आपका फूड सैंपल जिसमें कि आपको टेस्ट करना है कि विटामिन सी है या नहीं। तो
अगर उसमें विटामिन सी होगा, जैसा कि आपने लेमन जूस या ऑरेंज जूस लिया है, तो ये कलर चेंज हो जाएगा लाइट ब्राउन में। तो ये आपका टेस्ट हो गया विटामिन सी का। अब हम आगे बढ़ते हैं मिनरल्स पे। मिनरल्स भी विटामिन्स की तरह बहुत ही कम अमाउंट में हमें ज़रूरत होती है इनकी, पर ये बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं और इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स कहा गया है। इसीलिए हम अक्सर विटामिन्स एंड मिनरल्स एक साथ पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं। अब मिनरल्स में आपके नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयोडीन। हाँ, तो मिनरल्स में ये और भी मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, पर हम सिक्स क्लास में इन चार को ही स्टडी करते हैं मेनली। इन सभी के आपको सोर्सेज और फंक्शंस याद होने चाहिए। तब आयरन जो है आपका, आयरन ये जरूरी होता है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में। आपने अक्सर हो या तो हीमोग्लोबिन सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ जब आपका ब्लड फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में जब आपका ब्लड फ्लो करता है, या फिर आपका जो भी ब्लड देखते हैं आप कहीं पे भी सैंपल में, या तो वो रेड कलर का क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस। हीमोग्लोबिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, या फिर आप एक कैरियर मान लीजिए, जिस पे कि ऑक्सीजन अटैच होता है। ऑक्सीजन कैरियर मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जरूरी होता है आपकी ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, आपके लंग्स से आपके हर एक बॉडी के पार्ट तक, हर ऑर्गन तक, हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आपको हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ती है। और हीमोग्लोबिन बनता है आपके आयरन से। ठीक है बच्चों, और आयरन कंटेनिंग फूड सोर्सेज हो गए स्पाइनच, आपका पालक, लेग्यूम्स, जैगरी यानी कि गुड़। लेग्यूम्स में आपके आ जाती हैं फलियां वगैरह, फिर बनाना यानी कि केला, जैगरी का मतलब होता है गुड़। इन सभी में आयरन भरपूर मात्रा में होता है और ये आपके हीमोग्लोबिन के लिए फॉर्मेशन में हेल्प करता है आयरन। देन हम चलते हैं कैल्शियम पे। कैल्शियम अक्सर विटामिन डी से कंपेयर किया जाता है, दोनों बहुत ही सिमिलर होते हैं, इनके फूड सोर्सेज भी सिमिलर हैं और इनके फंक्शन भी सिमिलर हैं विटामिन डी के और फॉस्फोरस के, यानी कि आपके जो भी एलिमेंट्स हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस, इनके लिए आपको कुछ नया याद नहीं करना पड़ेगा। विटामिन डी में के सिमिलर होते हैं दोनों, जैसा कि विटामिन डी आपकी बोन्स और टीथ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी होते हैं, उसी तरह कैल्शियम और फॉस्फोरस का भी यही फंक्शन है। और इनके सोर्सेज भी काफ़ी सिमिलर हैं, जैसे कि एग्स, मिल्क, चीज़। और यहाँ पे मिल्क, चीज़, नट्स यानी कि आपके ग्राउंड नट, मूंगफली वगैरह। तो ये हो गए आपके कैल्शियम और फॉस्फोरस दो एलिमेंट्स। अब आते हैं हम अपने आखिरी एलिमेंट, आखिरी मिनरल आयोडीन पे। आयोडीन आपको जनरली फूड सोर्सेज में नहीं मिलता है, आप जो भी वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, जैसे कि फल, फूल, सब्जी, इन सब में आयोडीन नहीं होता है। इसलिए अपने वेजिटेटिव फूड का एक बहुत ही
इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टेस्ट के लिए सॉल्ट, यानी कि नमक। अब चाहे कुछ भी खाना खाएं उसमें आप नमक तो ऐड करते ही हैं, तो आयोडीन की कमी पूरी करने के लिए नमक में ही आयोडीन मिला दिया जाता है ताकि आप में आयोडीन की कमी ना आए। और वैसे आयोडीन आपको मिलेगा सी फूड में, यानी कि जो भी आपके समुद्र से जो आपको फूड मिलता है, जैसे कि आप झींगा मछली वहाँ से खाते हैं, नॉर्मल मच्छी सब खाते हैं, उस सब में आयोडीन आपको अच्छी मात्रा में मिल सकता है। और अगर आप ये सब नहीं खाते हैं तो आप ध्यान रखिए, आप जब भी सॉल्ट लें तो आयोडाइज्ड सॉल्ट ही लें। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, रफेज। रफेज क्या होता है? हमने देखा था कि आप जो भी फूड लेते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं, उसके तीन पार्ट्स होते हैं, वाटर न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर या फिर रफेज। फाइबर और रफेज एक ही चीज़ है। अब ये आपका वो पार्ट है जो कि जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कुछ भी ऐसा पोषक तत्व नहीं है जो कि आपकी ग्रोथ के लिए या फिर आपके बढ़ने में आपके लिए मददगार हो। मगर फाइबर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बावजूद फूड का, क्योंकि ये आपका बल्क बनाता है। अब जो भी डाइट लेते हैं, अब जो भी खाना खाते हैं, उसका बल्क पार्ट या फिर उसका मैक्सिमम पार्ट रफेज या फाइबर ही फॉर्म करता है। और इसका फंक्शन होता है कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल में या फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका फूड रेगुलरली मूव करता रहे और अच्छे से डाइजेस्ट हो, यानी कि उसके आपके पूरे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है फाइबर। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि अगर आप कभी एक कपड़ा निचोड़ते हैं तो आपको एक छोटा सा कपड़ा निचोड़ने में ज़्यादा मुश्किल होती है, और अगर आपके पास एक थोड़ा सा इनफ लेंथ का थोड़ा सा बड़ा कपड़ा होगा तो आप उसे थोड़ा आराम से निचोड़ पाएंगे। उसी तरह आपके अगर फूड में रफेज ज़्यादा होगा तो उसका डाइजेशन भी अच्छा होगा और उससे जो भी आपकी न्यूट्रिशंस हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो ईजिली बॉडी को मिल पाएंगे। आपके फाइबर का बॉडी में फंक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन को असिस्ट यानी कि हेल्प करना डाइजेशन को, और इस तरह से ये बचाएगा आपको कॉन्स्टिपेशन से। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जी से। अगर आप में आप इनफ मात्रा में रफेज नहीं खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इस प्रकार रफेज आपका वो पार्ट है जिसकी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, मतलब उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, मगर वह ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे एग्जांपल में आपके हैं कैबेज, कैरेट, स्पाइनच, मतलब गोभी, गाजर, पालक, और ये आप अभी पीछे सभी एग्जांपल्स में पढ़ के आए हैं कि ये बहुत न्यूट्रिशनल फूड होते हैं। जैसे कि आपने कैबेज पढ़ा था, कैरेट पढ़ा था, स्पाइनच पढ़ा था। स्पाइनच आपने किस में पढ़ा था बच्चों? मिनरल्स में, आपने फर्स्ट मिनरल में पढ़ा था। मिनरल्स में आपने यहाँ पे स्पाइनच पढ़ा था, आयरन में। स्पाइनच आपने यहाँ पे भी पढ़ा था विटामिन के में। तो आप देख पा रहे हैं कि इन सभी एग्जांपल्स में विटामिन एंड मिनरल्स तो हैं, पर इनमें रफेज की मात्रा भी काफ़ी है। इनमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में फाइबर्स भी होते हैं। तो यहाँ इसे कंफ्यूज ना हो आप कभी कि आपका जो रफेज है, रफेज की कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, मगर रफेज जिन फूड सोर्सेज में है उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
इस चीज़ में आप कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है बच्चों, आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा विटामिन्स, मिनरल्स, इन सभी के यूज़ और फंक्शंस, और फिर हमने लास्ट में किया रफेज। रफेज आपका वो फाइबर्स हैं, फाइबर्स का एग्जांपल आप जैसे देख सकते हैं कि आपका जो कोकोनट होता है उसके बाहर की जो कवरिंग होती है ब्राउन कलर की, वो एक फाइबर का अच्छा एग्जांपल है। तो आप रफेज़ को उससे कंपेयर करके देखें, उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है और वो आपके डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, और ये आप सभी इसके सोर्सेज याद कर लें। आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।